गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनका जन्म कहां पे हुआ मालूम आपको? कहां पे? पटना शहर में। आप लोगों को मालूम नहीं बेटा? नहीं कहां पे अभी बोले ना उन्होंने कहां पे? हाँ तख्त श्री हरमंदिर जी पटना शहर। तख्त बोलना कभी भी, जो गुरु के तख्त है ना उनको तख्त श्री श्री अकाल तख्त साहब है ना, तख्त श्री केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब, तख्त श्री पटना साहब हरमंदिर जी, तख्त सचखंड श्री हजूर साहब है ना। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म पटना साहब के धरती में हुआ और उनकी बाणी में लिखा है तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिके भवलयो। फिर पढ़ो तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखे भव लयो। तो गुरु गोविंद सिंह का बर्थडे ईयर्स और डेट कौन सा था आप लोगों को मालूम है? किसको मालूम है डेट मालूम है? किसी पीछे बच्चों को बर्थडे गुरु गोविंद सिंह जी का साल कौन सा था और डेट कौन सी थी मालूम है? हाँ कौन सा साल? जनवरी नहीं था बेटा, वो जनवरी भी होता दिसंबर भी होता, अंदाजा ठीक लगाया। यही बात है, देखो ध्यान दो मेरी बात को। अन्य जो दूसरे जो मजहब है ना, जैसे बैठ जा बेटा बैठ, कहां पे बैठ, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे दूसरे धर्म के बच्चे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं इस्लाम धर्म, वो बच्चे को मदरसे में इस्लाम की तामील दी जाती है, यानी वो विद्या पढ़ाई जाती है ना मदरसे में। तो छोटे छोटे बच्चे को इतना ज्ञान होता है, और हमारे सिख समाज में बड़े बड़े होने के बाद भी, मिनिस्टर बनने के बाद भी, इंजीनियर बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी कुछ ज्ञान नहीं होता, फिर भी जीरो रहते। जो मेंबर या जो पार्लियामेंट में या गवर्नमेंट में है ना, मेंबर बन गए, बड़े हो गए, मैनेजर बन गए, क्लर्क बन गए, क्या क्या बन गए, डॉक्टर बन गए, लेकिन गुरुमत का ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ उनको ज्ञान नहीं होता, अगर हुआ भी तो कौन से सन में हुआ वो उसका ज्ञान नहीं होता, गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र कितनी थी उसका ज्ञान नहीं होता। तो ये जो कैंप लगाया जाता है इन बातों को बताने के लिए कैंप लगाया जाता है। तो आपको मैं शॉर्ट में संक्षेप में है बताता हूं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जैसे उन्होंने कहा, मेरे बच्चे ने कहा, तो वो दिसंबर था है 22 दिसंबर और ईयर्स था 1666 यानी 1666 और डेट कौन सी थी 22 दिसंबर है ना, ये याद रखना। मैं कापियां नहीं लाया तुमको, कल कापियां लाके दूंगा, ये लिखना। कुछ दिन पिछले समय में कोई सरकार कोई मंत्री था यहाँ पे घूमने आया था, कहाँ पे सचखंड में यात्रा के लिए, तो बहुत सारे उनके साथ हमारे जो मेंबर लोग और जो प्रबंधक रहते ना उनके साथ घूमने गए, कहाँ गए गोविंदबाग लेजर शो देखने गए। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए और उन्होंने पूछा वो मिनिस्टर जो आए थे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ईयर्स कितनी थी, उम्र कितनी थी। तो पीछे देखने लगे, अरे भाई तेरे को मालूम है तो बताना, दूसरा बोला तेरे को मालूम है तो बताना, ऐसी कमजोरियां क्यों? हमें मालूम होना चाहिए ना कि हमारे गुरु जी 10 गुरु साहबान हैं, उनकी उम्र कितनी है, कौन से सन में हुए थे, हमें सब मालूम होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम खालसे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमें खालसा बनाया है ना। तो आपको याद रहेगा गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे है ना, याद रहेगा ना,
सभी को कौन सा डेट और यस कौन सा था? वेरी गुड, ठीक है, सभी लोग याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह जी की कुल उम्र कितनी थी? पूरी आयु उनकी उम्र थी 41, नाइन्थ मंथ 28 डेज। आप बोलो कितने थी? 48 डेज। वेरी गुड, यानी अपन टोटल बता सकते हैं किसको कि 42 इयर्स थी, है ना। अगर अपने को लमसम बताना हो भी पूरी नहीं हम बता सकते हैं गुरु गोविंद सिंह की उम्र कितनी थी, आप इसको कैलकुलेटर कर सकते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का सचखंड गमन कब हुआ था? हैं? जोर से 1708। वेरी गुड, कब हुआ था? 1708। अगर अपन 1708 और 1699 को कम करे तो कितनी उम्र होती है? वही 42, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटना साहिब के धरती में उनका जन्म हुआ और 7 साल की उम्र तक पटना साहिब में थे, ठीक है। 7 साल के बाद वो पंजाब चले गए। कहां गए? पंजाब। कौन सी जगह गए? आनंदपुर साहिब में गए, है ना। आनंदपुर साहिब में गए। आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की जब 9 साल की उम्र हुई, कितनी? 9 साल की उम्र। आप लोगों की किसकी 9 साल की उम्र है? आपकी है। वेरी गुड। और किसकी कम, उससे कम उम्र वाले हैं? कम उम्र, 9 साल से कम उम्र नहीं है कोई, 9 साल की ये बच्चा है, ठीक, कोई बात नहीं। बाकी सब कितने से कितने साल के हो? 14 साल के, 10, ठीक है, ठीक है, तो 11 साल बाकी, ठीक है। 9 साल की उम्र गुरु गोविंद सिंह की थी, ठीक है। तो ध्यान रखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो 9 साल के छोटी उम्र के जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, पंडित लोग कुछ आनंदपुर साहिब में आए, कश्मीर के पंडित, जम्मू कश्मीर मालूम है ना, जहां बर्फ जमी रहती है, जम्मू कश्मीर, वहां पे मंदिर है, उसका नाम है अमरनाथ मंदिर, है ना। और ज्वालामुखी यात्रा भी लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं, तो वहां के पंडित लोग गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर, ध्यान रखना, मैं बाद में पूछूंगा ये सब बात। गुरु तेग बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी, और वो समय गुरु की गद्दी में वही बैठे थे, गुरु की गद्दी। तो कश्मीर के जो पंडित थे ना, उन्होंने आकर गुरु जी को कहा कि महाराज जी हमें बहुत खतरा है। तो गुरु जी ने कहा किससे खतरा है? कि महाराज जो हिंदुस्तान का बादशाह है ना, बादशाह औरंगजेब, ठीक है, बादशाह औरंगजेब से हमें खतरा है। क्या खतरा है? तो उन्होंने कहा कि महाराज वो हमारे धर्म को खत्म कर रहे हैं, हिंदुओं के धर्म के जो चिन्ह है वो क्या होता है, हम रहरास साहब में सद पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते होंगे, हिंदुओं के धर्म के बारे में बताओ। हाँ, वेरी गुड, जैसे सिखों में कृपाण पहनते हैं ना, ध्यान रखो सिखों में क्या क्या पहचान है, केस कंगा कड़ा कशेरा कृपाण, है ना, ये खालसे की पहचान है, खालसे की ककार है। आप लोगों में से कोई अमर शका है? आप भी? अच्छा, ठीक, वेरी गुड, सब बच्चों ने अमर शका है, इधर कुछ छोटे बच्चे हैं, अच्छी बात। तो हिंदुओं की धर्म को खत्म कर रहा था कौन?
औरंगजेब बादशाह, ठीक है। तो उस उन पंडितों ने कहा कि भाई औरंगजेब राजा बादशाह जी, आप हमारे धर्म पर क्यों अटैक कर रहे हो? तो उस औरंगजेब ने कहा कि आप मेरे अंडर रहते हो, यानी मैं आपका बादशाह हूं और आप मेरे प्रजा हो, है ना। और आप जो हिंदू धर्म की रवायत को, रीति को, आप जो उस धर्म को फॉलो करते हो, मानते हो, वो धर्म में कुछ भी नहीं रखा है। किसने कहा था? औरंगजेब ने। इसीलिए ये धर्म को छोड़ दो और आप इस्लाम को कबूल कर लो, ठीक है। तो उस समय औरंगजेब ने ये सभी को ऐलान कर दिया। तो जो कश्मीर के पंडित थे उनको बहुत ये बात का दुख हुआ और ईश्वर भगवान से दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हमारी धर्म की रक्षा कीजिए। कहीं विपदा में हम भी प्रार्थना करते हैं ना, प्रे करते हैं। जैसा पेपर का दिन आता तो आप लोग प्रे करते हो, मत्था टेकने जाते हो, है ना, कि महाराज हमारे नंबर अच्छे आना, हम अच्छा लिखना, है ना। तो मुसीबत आने से इंसान ईश्वर को, परमात्मा को याद करता है, ताकि भगवान ईश्वर जो है हमारे मुश्किलें मिटा देता है, क्या हमारे मुश्किलें सॉल्व कर देते हैं, आसान बना देते हैं, ठीक है। तो कश्मीर के पंडितों के ऊपर मुसीबत आई हुई थी तो उन्होंने ईश्वर के आगे प्रे किया, प्रार्थना की, कृपया हमारे धर्म की रक्षा कीजिए। तो जिस मंदिर में उन्होंने प्रे किया था वो था शिवजी भगवान का मंदिर अमरनाथ। उस मंदिर का नाम है अमरनाथ, ठीक है, अमरनाथ की लोग यात्रा जाते हैं। तो उन्होंने ऑपोशन रखा था कि हम मर जाएंगे भूखे, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं ना, खाना पीना नहीं, हम मर जाएंगे अगर आप हमारी धर्म की रक्षा नहीं करोगे। तो जब भगवान श्री परमेश्वर वाहिगुरु ने उनकी प्रार्थना सुनी तो मंदिर से एक उनको चिट्ठी मिली, ऐसी चिट्ठी उड़कर आई, संस्कृत में लिखा था। उसमें लिखा था कि आपकी धर्म की रक्षा, धरती में गुरु नानक जी के गद्दी के जो भी वारिस होंगे वो आपके धर्म की रक्षा करेंगे। तो ये गुरु नानक की गद्दी के मालिक की खोज करने लगे, कौन? कश्मीर के पंडित। ध्यान दे रहे हो ना, समझ आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान से सुनो, कश्मीर के पंडितों ने प्रे की तो मंदिर से एक चिट्ठी निकली, एक पैगाम मिला कि आपके धर्म की रक्षा गुरु नानक के गद्दी में जो बैठे हुए हैं वही आपकी धर्म की रक्षा कर। किसने कहा? कृपा राम जी ने कहा। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने कहा, आप लोगों की धर्म की रक्षा अवश्य होगी, हो सकती है, अगर कोई महापुरुष, अगर कोई गुरु, कोई पूजनीय महान शक्तिशाली व्यक्ति अपनी बलिदान दे तो। मतलब बलिदान मतलब सिर दे तो, है ना, अपना सिर कटाए तो आपके धर्म की रक्षा हो सकती है। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह जी, सच्चे पातशाह जी, गुरु महाराज जी पिताजी के सामने बैठे हुए थे, ठीक है। और छोटी उम्र में, देखो ध्यान रखना मैं कौन सी बात आपको कहने जा रहा हूं, अभी इतनी छोटी उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को क्या बोला मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं मालूम है। गुरु जी ने अपने पिताजी को कहा कि महाराज, पिताश्री जी, आपसे बड़ा धर्मी और साधु आदमी कौन हो सकता है जो हिंदुस्तान की धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे। यानी एक बेटा अपने पिताजी को यह कह रहा है
कि आप जाके बलिदान दो। कभी हम अपने छोटी उम्र में या अभी बड़े होने के बाद अपने पिता को कभी कह सकते हैं कि जाके आप फांसी में चढ़ जाओ या बलिदान दो? कह सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी, देखो ध्यान रखो, गुरु गोविंद सिंह जी एक छोटी उम्र के पुत्र हैं, अभी पिता की छाया की जरूरत है, आशीष की जरूरत है, और निधड़क होकर कह रहे हैं कि पिताजी आपके जैसा महापुरुष और महान त्यागी कौन हो सकता है, कृपया आप इनकी धर्म की रक्षा कीजिए और जाके दिल्ली में आप अपनी बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी बहुत खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, वाह जी वाह, गोविंद सिंह जी, गोविंद राय जी, आप तो महान हो, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि समाज के लिए आपके अंदर त्याग की भावना है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी ने अपने पुत्र गुरु गोविंद सिंह को कहा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पिताजी को यह बात उन्होंने कह डाली कि आप जाके बलिदान दो। उनके अंदर कितनी हिम्मत आई होगी, कैसा बोला होगा कि पिताजी आप जाके बलिदान दो। गुरु तेग बहादुर जी महाराज बहुत खुश हुए कि हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप समाज के लिए बलिदान देने में महान होंगे। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने उन पंडितों को आश्वासन दिया, आश्वासन दिया, धीरज दिया, है ना, उनको हौसला अफजाई बढ़ाया कि जाके आप औरंगजेब को कह दो कि हमारे गुरु तेग बहादुर जी हैं, ठीक है, हम उनके कहने पे चलेंगे, जैसे अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम को कबूलते हैं तो हम भी इस्लाम को कबूल लेंगे। औरंगजेब बहुत खुश हुआ, भाई सबको अकेले अकेले को पकड़ पकड़ के लाना, गांव गांव से, शहर शहर से पकड़ पकड़ के लाना, मुसलमान बनाना, इस्लाम कबूलना, एक व्यक्ति के पीछे, एक व्यक्ति के मगर लगकर, पीछे लगकर सभी अगर मुसलमान बनते तो मुझे तो अच्छा ही है ना। एक किसने सोचा? औरंगजेब। औरंगजेब ने सोचा फिर खोज करो गुरु तेग बहादुर जी की। तो उसके जो सिपाही थे खोजने शुरू कर दिए। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कृपाराम को कह दिया, कृपाराम जी दिल्ली में जाके औरंगजेब को कहकर चले गए कश्मीर, क्योंकि कश्मीर से आए थे ना उन्होंने। तो गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी, वारंट जारी हुई, जिसको हम बोलते ना वारंट जारी किया गया, बादशाह ने ऐसा हुक्मनामा जारी कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढते 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 सिपाही इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब से चलते 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 पड़ाव करते करते कहां पहुंचे? आगरा में पहुंचे। कहां पहुंचे? आगरा में क्या है? ताजमहल है, है ना, वेरी गुड। आगरा में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। और वहां पे आगरा में कभी गए हो आप? कोई भी गए? नहीं गए? स्टेशन है, आप गए? क्या नाम है आगरा में? क्या है वहां पे? गुरु का ताल गुरुद्वारा है, है ना, जहां पे गुरु तेग बहादुर जी रुके थे वहां पे गुरुद्वारा है। उस गुरुद्वारा का नाम क्या है? गुरु का ताल। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज को औरंगजेब बादशाह के जो सिपाही थे वो कहां पे गिरफ्तार करे? आगरे में। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की गिरफ्तारी हो गई। देखो एक बात ध्यान से रखना, जो हमारे गुरु जी है ना, गुरु नानक जी से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक, इतने शक्तिशाली और इतने महान स्वरूप हैं, इतने भगवान हैं कि भाई उनको तो कोई पकड़ नहीं सकता, ध्यान रखना। लेकिन जो अवतार होते ना, गुरु होते हैं, उनकी कुछ लीलाएं होती, कुछ कथाएं होती है। ठीक है, तो गुरु गोविंद, गुरु तेग बहादुर जी महाराज को कोई पकड़ नहीं सकता था। कितना दूर आनंदपुर साहब पंजाब कहां पे है देखो, ध्यान रखो है। और जब हम लोग पंजाब से आते हैं ना, तो किधर से आते हैं? सबसे पहले पंजाब आएंगे तो हरियाणा आएगा,
हरियाणा बोले तो दिल्ली, है ना, दिल्ली के बाद फिर आगरा आता। गुरु तेग बहादुर जी महाराज आनंदपुर साहब से होते 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 आगरा पहुंच गए, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी ना कर सका बादशाह औरंगजेब। तो गुरु जी ने कहा कि नहीं भाई, हमने वचन दिया है पंडितों को और वो समय सामने आ गया, हमें खुद ही सिलेंडर करना पड़ेगा। तो अपने आप गुरु जी ने कैसे सिलेंडर करेंगे? तो उन्होंने वहां पे एक छोटी सी कथा, एक बकरियां चराने वाला, बकरी चराने वाले को क्या बोलते हैं आपको मालूम है? हाँ, बकरीबाज या चराहा भी बोलते हैं, या अयाली बोलते हैं, अयाली। बकरी जैसे गौ को चराने वाला गोली बोलते ना, ग्वाला, है ना, गोली ग्वाला। तो अयाली बकरी को चराने वाला, उसको बुलाए, उसको महाराज ने बुलाया, इधर आ भाई। उन्हें आया, आया कौन? बकरी चराने वाला चराहा, है ना, आया। महाराज जी क्या बात है बोलो। महाराज ने अपने हाथ से अंगूठी खोली, ठीक है, जो बहुत कीमती की थी, उस समय कम से कम 10-12 लाख की अंगूठी होगी जिसमें हीरे जड़ते। ये कौन से समय की बात कह रहा हूं, बहुत 500-400 साल 300 साल पुरानी बात, जबकि एक पैसा में कितना भी खरीदारी कर लो, पैसा, एक पैसा। लोग, पुराने लोग जो गरीब लोग थे ना, वो एक रुपया देकर साहूकार से कौड़ी लेके आते थे, कौड़ी, एक रुपया की कौड़ी। कौड़ी देखी आप लोगों ने? कौड़ी देखी है कैसी रहती है? शंखे के जैसी है ना वो कौड़ी। तो एक रुपया साहूकार को देना और एक रुपया के बदले कितने सारे कौड़ियां ले आना, पाव भर किलो भर है। तो एक कौड़ी के लिए उन्हों कौड़ी बाजार में जाके कौड़ी देना, सब्जी खरीदना, तेल खरीदना, नून खरीदना। तो जब कौड़ी काम करता था उस समय में गुरु जी के हाथ में जो मुंदरी थी वो 12 लाख की मुंदरी थी, ठीक है। तो वो मुंदरी गुरु जी ने निकाला और बकरी को चराने वाला चराहा को कहा, ले भाई इसके बदले में जा मिठाई लेके आ। क्या मिठाई लेके आ? बेचारा बकरी चराने वाला सीधा साधा था, उसने कहा ठीक है लाओ महाराज लेके आता हूं, लेकिन किसमें डाल के लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो गुरुजी ने अपने ऊपर बहुत बड़ी कीमती शॉल था, वो शॉल उतार के दे दिए। उन्होंने कहा ये शॉल में साल में डाल के लाना, ठीक है। तो साल ले गया और मुंदरी ले गया, हलवाई को बोलता है भाई 2 रुपया के तू मिठाई कुछ पकवान दे दे और इसके बदले ये मुंदरी रख ले। उस समय लोग ईमानदार होते थे बहुत ही ज्यादा, आजकल के लोग जैसे नहीं, अच्छा है अभी चल 2 रुपये के बदले मुंदरी मिल जा रही है ना, ऐसा नहीं था जमाना। तो उसने कहा कि अरे 2 रुपया के मिठाई और इतनी बड़ी कीमती की मुंदरी मैं नहीं रख सकता हूं। उन्हें बोला भाई बाहर बैठे हुए हैं, कोई आए हुए हैं, मुझे नहीं मालूम परदेसी हैं, कोई संत है, उन्होंने भेजा है, मैंने चोरी थोड़ी की है। तो उसको, हलवाई को थोड़ा सा भरोसा आ गया, भी ठीक है चल ले आ फिर, तेरे को मिठाई में देता हूं तो किस में लेगा? तो जो कीमती शॉल था न, उसने ऐसे कर दिया कि इसमें डालो। उस हलवाई को विश्वास हो गया पक्का कोई चोर या बदमाश डाकू होगा, नहीं तो कोई अपना इतना बड़ा कीमती मुंदरी मेरे पास क्यों रखेगा और साल को क्यों खराब करेगा। उसने पकड़ लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल के पास जब ले गया तो बेचारा मुसीबत में फंस गया। कौन? चरावा। वो मुसीबत में फंस गया, बोला कि महाराज क्या मुसीबत में मुझे फंसा दी। उसने कहा, जब कोतवाली से उसकी पिटाई होने लगी ना, बोले मुझे मत मारो, कोई बाहर से साधु आए हैं उनके है सामान, चलो मुझे वहां पे ले चलो। तो मतलब गुरु तेग बहादुर जी ने ऐसा कुछ कारनामा किया, ऐसा कुछ खेद किया जिसके लिए पुलिस अपने आप ही आके गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार कर ली। ये कारण था उन्होंने, इस कारण से उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो दिल्ली ले गए, दिल्ली ले जाकर गुरु तेग बहादुर जी को एक हवेली में रखा, बहुत बड़ा हवेली था, उसमें कोई एक प्रेत आत्मा रहती थी। तो
तो उन्होंने सोचा भाई अगर ये कोई पूरन गुरु होएंगे तो प्रेत इनको मारेगा नहीं, अगर कोई ऐसी गुरु होएंगे तो प्रेत मारकर इनको खत्म कर देगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, ये कहावत है ना। तो गुरु तेग बहादुर जी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को कौन पकड़ेगा, कौन इनको सहायता करेगा। तो फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को उन्होंने हवेली में रखा और उस समय प्रेत आया, प्रेत एक आत्माएं आकर कहने लगा तुम कौन हो। तो देखा जब गुरु जी का चेहरा तो पहचान गया, मत्था टेकने लगा, महाराज धन भाग मेरे जो आप मेरे हवेली में आए। मत्था टेकर चरण स्पर्श किया और कहा महाराज मैं तो अपने आप को धन्य समझता हूं जो आप मेरे घर में आए, कृपया मुझे कोई सेवा बताइए। तो गुरु जी ने कहा क्या सेवा कर सकते हो। उसने कहा महाराज आपके लिए मैं रोटी या पकवान तो नहीं ला सकता हूं लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट है या फल ये सब ले आके आपको दे सकता हूं। प्रेत हूं ना तो मैं पानी के या पके हुए पकवान को हाथ नहीं लगा सकता हूं। उसने ये कहा, किसने, प्रेत ने। तो महाराज जी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट ले आया, गन्ने ले आया और गुरु जी को दिया। तो गुरु जी ने कहा तू तो प्रेत क्यों बना हुआ है, इतने बड़े हवेली में तू अकेला प्रेत रहता। तो उसने अपनी भविष्य कहानी, भूतकाल की जो कहानी थी ना, उसने सुनाई कि महाराज मैंने बेईमानी की, मैंने अपने भाइयों को मारा हैं और घर से बेघर कर दिया, मेरे भाई बेचारे गरीब हो गए, इधर उधर भटक कर मर गए, और जब मेरी मौत तो हो गई क्योंकि मैं हवेली में प्यार करता था इसलिए मैं हवेली में अब प्रेत बना हुआ हूं, मेरी जान छूट रही नहीं, कृपया मुझे मुक्ति कीजिए। तो गुरु जी ने उसको मुक्त कर दिया। फिर गुरु जी को जब प्रेत ने कुछ नहीं किया, अगले दिन फिर बादशाह ने कहा देखो जाके गुरु जी को प्रेत ने मारा क्या। तो गुरु जी तो बैठे हुए थे तो कुछ सवाल जवाब हुए तेग बहादुर जी महाराज जी के साथ, सवाल जवाब हुए पूछे करे। फिर महाराज ने कहा कि औरंगजेब बादशाह आप तो राजा हो, राजा का मतलब होता है प्रजा का पिता, है ना, बड़ा ऑनर होता है वो, है ना, ऑनर होता है सबको एक जैसा रखना, सबको एक जैसा देखना, चाहे कोई किसी मजहब धर्म का हो। तो आपके दिमाग में ये क्यों आई है बात कि हिंदुस्तान में हिंदू धर्म नहीं रहना चाहिए, गुरु जी ने पूछा औरंगजेब को। तो औरंगजेब कहने लगा कि महाराज जो हिंदू लोग हैं ना, ये लोग खुदा ईश्वर की ये नकल करते हैं, पत्थरों को भगवान मानते हैं, पत्थरों की आरती करते हैं। तो हमारे कुरान शरीफ में लिखा है अगर खुदा की बराबरी करें तो इंसान दोजग में जाता, दोजग मीन्स हाँ नरक में जाता है, दोजक में जाता है। तो मैं इन लोगों को दोजक जाने से बचा रहा हूं अपने धर्म में लाने के लिए। तो गुरु जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, भगवान ने पूरे सृष्टि की रचना की है ना, 84 लाख जून की रचना की, अब लोगों को मालूम है 84 लाख जून है ना, ये पेड़ पौधे कीड़ी जानवर ये सब भी जून है ना। तो महाराज ने कहा कि भई अगर ईश्वर की मर्जी हो तो कहीं पे भी मुक्ति दे सकता है, अगर ईश्वर की मर्जी ना हो तो हिंदुओं के घर में लोग जन्म ही ना लेते, अगर वो नरक जा रहे हैं तो ये तो भगवान का कृत है, हमें दखल अंदाज नहीं देनी चाहिए। खैर औरंगजेब हठिया था, बहुत जिद्दी था, उसने कहा मैं तो भाई मैं अपने जो मन में ठान लिया वही करूंगा। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की आखिर उसने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया गुरु तेग बहादुर जी को। कहां पे किया, दिल्ली में। आप कभी दिल्ली गए हो, कहां पे गुरुद्वारा है वहां पे, छोटे बच्चे आप हाथ में दिल्ली गए हो, शीशगंज गुरुद्वारा मत्था टेका, कहां पे है, लाल किला के सामने है। आप लोग दिल्ली नहीं गए, गए तो दिल्ली चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी का वो स्थान है, अपन पढ़ते ना, ठीकर फोड़ दिल्ली सिर प्रापुर किया, प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हों आन।
यानी गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने ऐसा कारनामे कर दिखाया जो कि आज तक किसी ने नहीं किया, है ना। ठीकर फोड़ दिलीस, दिलीस का मतलब दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने ऐसा कौतुक किया, ऐसी बलिदानी दी। तिलक जन्यू राखा प्रवता का, कीनो बड़ो कलुमे साका। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की शहादत होती है कब, सन 1675 में। और उसके जो सलाहकार थे ना, एडवाइजर, सलाहकार माने एडवाइजर, है ना, वो औते काजी मुलाने, वो जैसा उसको बोलते थे वैसा करता था। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी को दिल्ली चांदनी चौक में, दिल्ली चांदनी चौक में जो लाल किला है ना, तब आपने लाल किला देखा है, जब 26 जनवरी को 15 अगस्त को झंडा फहराते कि नहीं, लाल किला है ना वो, तो उस लाल किला के ठीक सामने में गुरु जी को शरेआम उसने तलवार से, तेग से जल्लाद को बुलाकर कत्ल कर दिया। ठीक है, तो गुरु साहब जी ने कहा ये जो दोष है जो हमें निहत्थे को, और हम तो कोई दोष नहीं किए थे, लेकिन ये जो दोष तेने कमाया है, किसी निहत्थे को और निर्वैर पुरुष को, किसी महापुरुष को कत्ल करना, उसका बहुत घोर पाप लगता है। ठीक है, इस पाप से जो है उसका राज खत्म हो गया। दैस उसको, उसके बाद फिर भले उसने औरंगाबाद जो नगर है ना, यहाँ पे आकर उसने शरीर छोड़ा, लेकिन उसके बाद उसका जो जो कुछ था धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता खत्म खत्म होते 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 औरंगजेब का नामो निशान खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर महाराज गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश था ना, गुरु जी को तो शहादत तो कर दिया, उन्हें शहीद कर दिया, कहां पे करा, दिल्ली चांदनी चौक में। और कौन से सन में किया, हाँ 75 में, 1675 में, 16 5, डेट्स 11 नवंबर, 11 नवंबर सन 1675, 11 नवंबर। ठीक है, 10 11 नवंबर, नवंबर का महीना था, समझ गए, याद रखेंगे, मैं फिर पूछूंगा देखो तुमको फिर। ठीक है, तो गुरु जी की शहादत हो गई। गुरु साहब जी का जो शीश था, उनके एक सेवादार था जिसका नाम भाई जैता था, है ना, आपको मालूम है। गुरु जी ने उनके प्रति कौन से वचन बोले थे, बेटा, है ना, ये वरदान गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे। वो शीश उनका ले जाकर आनंदपुर साहिब में उनका विधि पूर्वक संस्कार किया गया, और उनका जो धड़ था संस्कार किया, हाँ संस्कार किया रकाबगंज गुरुद्वारा में, यानी गुरु जी का धड़ दिल्ली में ही संस्कार किया गया और गुरु जी का शीश आनंदपुर साहिब में ले जाकर संस्कार किया गया। तो गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जब शहादत हुई, तो कोई भी जब धड़ पड़ी, तो धड़ जो शरीर का धड़ था ना, वहीं पर पड़ा हुआ था, किसी ने उठाया नहीं था, क्योंकि कोई एहसास नहीं करता था किसके ऊपर, औरंगजेब के ऊपर, सामने कोई हिम्मत नहीं करता था और वो धड़ को ले जाना नहीं चाहता था। तो भाई लखी शाह बंजारा ने, जो कि बंजारे समाज में से थे, और उन्होंने बहुत हिम्मत किया और अपने तरीके से लेके गए और घर में रखकर घर में ही उनका संस्कार कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में भाई जैता जी को पूछा कि जब हमारे पिताजी की शहादत हो गई और शीश तो तेरे झोली में आकर गिर गया, उनका धड़ जो था वो, उसका संस्कार किसने किया। तो उसने बोला कि महाराज,
मुझे पूरी खबर तो नहीं है, लेकिन धड़का संस्कार बहुत देर के बाद हुई। तो गुरु जी ने कहा भी हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े राजे थे, बड़े बड़े क्षत्रिय थे, उनके धर्म की रक्षा के लिए गुरु जी ने कुर्बानी दी है ना, और किसी ने तो आकर उसका संस्कार करना चाहिए था। महाराज ऐसा ही है, उसके सामने कोई जाना नहीं चाहता। महाराज ने कहा कोई सिख भी नहीं आया? नहीं महाराज, उसके सामने हिम्मत ही नहीं कोई करता कि हम सिख हैं बोल के। तो गुरु जी ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं अभी एक ऐसा पंथ बनाऊंगा, ऐसा एक मैं सिंह सजाऊंगा जो कि लाखों करोड़ों में खड़ा रहेगा तो भी वो अपने आप ही पहचाना जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह का सिख है, सिंह है ना। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये हमें केस, ककार, दस्तार, ये चीजें हमें दी। आज हम कहीं पे भी खड़े होंगे तो हम पहचाने जाएंगे कि ये खालसा है, ठीक है। हमें किसी के सामने अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, है कि नहीं। कृपाण धारी है, सिर में पगड़ी है, तो हम खालसे हैं, खालसा अपने आप पहचाना जाएगा। ये पहचान किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, ठीक है। यहाँ पे ये कथा को हम समाप्त करते हैं और महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं कि हम 5 दिन आप लोग के साथ रहेंगे।